इस वीडियो में आप जानोगे एंटार्क्टिका के बारे में ऐसी बातें जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाओगे। जैसे कि क्या आपको पता है कि एंटार्क्टिका पे पूरे 7 देश कब्जा करके बैठे हुए हैं? और क्या आप जानते हो कि एंटार्क्टिका में खून से बहने वाला झरना है? क्या आपने ऐसी बर्फ देखी है जो गाना गाती है? मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच है। इसके अलावा आप इस वीडियो में एंटार्क्टिका से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जानोगे जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाओगे। जैसे एंटार्क्टिका में भी इजिप्ट की तरह पिरामिड्स है, और एंटार्क्टिका में इस जगह पे आपको एक यूएफओ देखने को मिलेगा। ये खोपड़ियां रिसर्चर्स को एंटार्क्टिका में मिली, क्या है इनका रहस्य, ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ अंत तक। साउथ पोल में स्थित एंटार्क्टिका का एवरेज टेम्परेचर -43.5 डिग्री सेल्सियस है। पूरी दुनिया में से सबसे ठंडे टेम्परेचर का रिकॉर्ड भी एंटार्क्टिका के पास ही है, जो है -89.6 डिग्री सेल्सियस। ये जगह इतनी ठंडी है कि यहाँ किसी भी आम जानवर का सर्वाइव करना नामुमकिन है। कुछ पेंगुइन, सील्स, वेल्स और कुछ पक्षियों के अलावा इस जगह पे कोई जानवर नहीं रहता। यहाँ तक कि इस जगह पे एक भी पेड़ नहीं है, और बर्फ में पाया जाने वाला भालू पोलर बेयर भी यहाँ नहीं रहता। ये जगह इतनी ठंडी इसलिए है क्योंकि ये साउथ पोल पे है, जहाँ सूरज की रोशनी भी ठीक से पहुंच नहीं पाती, और 98% से ज्यादा एंटार्क्टिका स्नो और आइस की चादर से ढका हुआ है। ये चादर 1.5 किलोमीटर से भी ज्यादा मोटी है, जिसके कारण जो सूरज की बची खुची रोशनी पहुंचती है वो भी रिफ्लेक्ट होकर दोबारा से स्पेस में चले जाती है। और एंटार्क्टिका तेज हवाओं से भी घिरा हुआ है। ये हवाएं एंटार्क्टिका के अंदरूनी हिस्से से तट की ओर चलती हैं, और इनकी स्पीड 320 किलोमीटर/आवर है। एंटार्क्टिका इतना ठंडा है कि अगर आप बिना किसी खास इक्विपमेंट और सेफ्टी के जाए तो कुछ ही मिनटों में आपकी मौत हो जाएगी। एंटार्क्टिका में रहने वाले लोगों की एक कहावत है, अगर आपको पसीना आता है तो आप मर जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अंटार्क्टिका जैसे पोलर टेम्परेचर में पसीना हाइपोथर्मिया का कारण बनता है। हालांकि सही तरह के कपड़े पहनकर आप अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित करके इस घातक समस्या से बच सकते हो। एंटार्क्टिका में एक रहस्यमयी गाने वाली बर्फ की चादर है, जिसकी आवाज 10 मील दूर तक सुनी जा सकती है। इस अनोखी घटना के पीछे का विज्ञान अभी भी पूरी तरह से समझा नहीं गया है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि यह बर्फ की चादर में मौजूद दरारों और उभारों के कारण होता है। जब हवा इन दरारों और उभारों से होकर गुजरती है तो यह एक संगीतमय ध्वनि पैदा करती है। इस घटना के पीछे एक और संभावित स्पष्टीकरण यह है कि बर्फ की चादर में मौजूद पानी की बूंदें हवा में कंपन पैदा करती हैं, जिससे एक संगीतमय ध्वनि पैदा होती है। यह गाने वाली बर्फ की चादर एंटार्क्टिका में एक अनोखा और रहस्यमयी प्राकृतिक नजारा है। एंटार्क्टिका में 6 महीने रात और 6 महीनों तक दिन ही रहता है। एंटार्क्टिका का टोटल एरिया 1,42,00,000 स्क्वायर किलोमीटर है। अंदाजे से बता दूं कि इतने बड़े एरिया में ब्रिटेन जैसे 58 देश और इंडिया जैसे 4 देश फिट हो सकते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि इतने बड़े एरिया में अभी सिर्फ 1,000 लोग ही मौजूद है जो 6 महीनों तक रुकेंगे और ठंड के मौसम में दोबारा वापस चले जाएंगे। आपको ये भी जान के हैरानी होगी कि एंटार्क्टिका दुनिया पर सबसे बड़ा रेगिस्तान है, भले ही यहाँ बर्फबारी होती हो। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ बर्फ की चादर इतनी मोटी है कि ये बारिश को जमीन तक पहुंचने से रोकती है। बहुत ठंडी और तेज हवाओं के चलने के कारण एंटार्क्टिका में ह्यूमिडिटी बहुत कम है, जिसके कारण एंटार्क्टिका में बादलों का बनना बहुत मुश्किल भी है। पूरी दुनिया का 70% फ्रेश वाटर आपको एंटार्क्टिका में मिलेगा। एंटार्क्टिका में कई अजीब और असामान्य घटनाएं होती हैं, जैसे कि खून के झरने, बर्फ के कीड़े और जमी हुई झीलें जो बर्फ की चादर के नीचे मौजूद हैं। खून का झरना लोहे से भरपूर पानी के कारण होते हैं, जो एक ग्लेशियर से निकलता है और हवा के संपर्क में आने पर लाल हो जाता है। बर्फ के कीड़े छोटे कीड़े होते हैं जो बर्फ में रहते हैं और ठंड से नीचे के टेम्परेचर को सहन कर सकते हैं। जमी हुई झीलें बर्फ की चादर के नीचे मौजूद होती हैं क्योंकि वे जियोथर्मल एनर्जी से गर्म होती हैं। 25 मार्च 1988 को एंटार्क्टिका में बैलनी आइलैंड में 8.1 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, जो इस कॉन्टिनेंट का सबसे शक्तिशाली भूकंप था। यह भूकंप इतना खतरनाक था कि एक बुर्ज खलीफा जैसी इमारत को आराम से गिरा सकता था। मरियाना ट्रेंच, जो पैसिफिक ओशन में स्थित है, पृथ्वी की सतह पर सबसे गहरा पॉइंट है। दूसरी ओर सबसे निचली खुली घाटी डेड सी के किनारे पर है,
जो समुद्र तल से 413 मीटर यानी 1355 फीट नीचे है। हालांकि धरती पर सबसे गहरा पॉइंट ईस्ट एंटार्क्टिका में डेनमैन ग्लेशियर के नीचे है। वहां की घाटी बर्फ से ढकी हुई है और समुद्र तल से 3500 मीटर यानी 11500 फीट नीचे तक पहुंचती है। एंटार्क्टिका सदर्न हेमिस्फीयर में स्थित है, इसलिए वहां के मौसम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के मौसमों के विपरीत होते हैं। अंटार्कटिका में अक्टूबर से फरवरी तक गर्मी का मौसम चलता है और बचे महीनों में सर्दी का मौसम रहता है। सर्दियों में एंटार्क्टिक सी हर दिन लगभग 1,00,000 वर्ग किलोमीटर कॉन्टिनेंट से आगे बढ़ती है और गर्मियों में फिर से पिघलने से पहले एंटार्क्टिका के आकार को दोगुना कर देता है। एंटार्क्टिका की कुछ मछलियों की प्रजातियों के खून में एंटीफ्रीज प्रोटीन होते हैं जो उन्हें ठोस रूप से जमने से रोकते हैं, यानी ये मछलियां 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे के टेम्परेचर में आराम से बिना जमे जिंदा रह सकती है। ऐसा नहीं है कि एंटार्क्टिका शुरू से एक ठंडा रेगिस्तान था, ये पहले हरा भरा जंगल भी हुआ करता था। वैज्ञानिकों ने ऐसे फॉसिल्स खोजे हैं जो संकेत देते हैं कि 50 मिलियन साल पहले ये एक हरा भरा जंगल था जहां पर कई जानवर और पक्षी पाए जाते थे। वैज्ञानिकों को यहां मेंढक, कई पक्षियों और यहां तक कि डायनासोर्स के फॉसिल मिले हैं, जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि 10 करोड़ साल पहले यहां बहुत सारे जानवरों का एक इकोसिस्टम था। एडोल्फ हिटलर ने भी इस जगह पर अपने कई सैनिक भेजे थे ताकि वो वेल्स का तेल निकालकर मार्गरिन और लुब्रिकेटिंग हथियार बना सके। 1985 में वैज्ञानिकों ने एंटार्क्टिका के ऊपर एटमॉस्फेयर में बढ़ते एक विशाल ओजोन होल के बारे में बताया था। ये छेद 10 साल से भी कम समय में बन गया था क्योंकि अंटार्कटिका में ओजोन का स्तर कम होता जा रहा था। मैनमेड केमिकल्स ओजोन लेयर को बर्बाद कर रहे थे। पतली होती ओजोन लेयर को एक चेतावनी के रूप में समझा गया था। ओजोन होल दिखाता है कि हमारा ग्रह हमारी गतिविधियों के प्रति कितना सेंसिटिव है। 1970 के दशक से लेकर आज तक एंटार्क्टिका में 10,000 से ज्यादा मीटियोराइट्स खोजे जा चुके हैं, जिनमें से कुछ तो 7,00,000 साल पुराने भी है। 2015 में एक आलू के साइज का मीटियोराइट एंटार्क्टिका में मिला था। साइंटिस्ट ने जब इसकी तहकीकात की तो पता चला कि ये मीटियोराइट मार्स से आया था। थोड़ी और रिसर्च के बाद पता चला कि इस मीटियोराइट पे ऐसे माइक्रोब्स के फॉसिल्स थे जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते थे। क्योंकि ये मीटियोराइट मंगल ग्रह से आया था तो इस पे मंगल ग्रह के ही माइक्रोब्स थे। इससे ये बात तो साफ है कि मंगल पर जीवन मौजूद है, भले ही बहुत सूक्ष्म स्तर पर है। एंटार्क्टिका में आपको बहुत आसानी से मीटियोराइट्स मिल जाएंगे क्योंकि सफेद चादर पर काले रंग का मीटियोराइट खोजना बहुत आसान है। सदियों से कई देशों ने एंटार्क्टिका पर अपना क्लेम जताया है, लेकिन 1959 में 48 देशों ने अंटार्कटिक ट्रीटी पर साइन किए, जिसमें कॉन्टिनेंट को शांति और विज्ञान की रिसर्च के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन 2048 में ये ट्रीटी एक्सपायर हो जाएगी और तब देखना होगा कि क्या कोई एंटार्क्टिका पे कब्जा करेगा या नहीं। लगभग 7 देश एंटार्क्टिका को अपने देश का हिस्सा बताते हैं, जिसमें न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, नॉर्वे, द यूनाइटेड किंगडम, चिले और अर्जेंटीना जैसे देश शामिल है। ये थे एंटार्क्टिका के कुछ रोचक फैक्ट्स, और अब आप जानोगे एंटार्क्टिका के कुछ ऐसे रहस्य जिन्हें देखकर आप हैरान हो जाओगे। नंबर 1, पायरामिड्स। इन एंटार्क्टिका आप लोगों ने सिर्फ गीजा के पिरामिड्स के बारे में सुना होगा, लेकिन एंटार्क्टिका में भी पिरामिड्स है और एक नहीं बल्कि 3-3 पिरामिड्स के ग्रुप है। और आपको जान के हैरानी होगी कि इन पिरामिड्स का साइज गीजा के पिरामिड से 3 गुना ज्यादा बड़ा है। इन पिरामिड्स का नेचुरली फॉर्म होना बहुत मुश्किल है क्योंकि इन पिरामिड्स की हर एक साइड सेम साइज की है और ये 500 फीट तक लंबे है। पिरामिड हर एक साइड से 2 किलोमीटर चौड़ा है। अब इन पिरामिड्स को किसने बनाया, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। हम ठीक से ये भी नहीं जानते कि गाइजा के पिरामिड्स को किसने बनाया, और हमें अंटार्कटिका में 3 और पिरामिड्स मिल जाते हैं। कई लोगों का मानना है कि अंटार्कटिका हजारों साल पहले एक हरा भरा जंगल हुआ करता था जहां ऐसी सभ्यताएं रहती थी जो हम इंसानों से बहुत एडवांस थी। गीजा के पिरामिड्स में हमें बहुत सारे चैम्बर्स मिले हैं, इसलिए साइंटिस्ट्स इन पिरामिड्स पर ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार से इसके नीचे खोज कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके नीचे कितने चैम्बर्स हैं। एंटार्क्टिका जैसी ठंडी जगह पे बर्फ से ढके इन पिरामिड्स को एक्सप्लोर करना बहुत मुश्किल है। नंबर 2, यूएफओ एक्टिविटी इन एंटार्क्टिका। पहली घटना है 1965 की, जब एक ब्रिटिश एंटार्क्टिक सर्वे टीम ने एक अजीब सा यूएफओ देखा। उन्होंने एक गोल आकार और चमकते हुए यूएफओ को देखा। इस घटना के बाद से अंटार्कटिका में यूएफओ के दर्शन बढ़ गए और लोगों ने इसे अंटार्कटिक ट्रायंगल भी कहा, और कई लोगों ने इसे अंटार्कटिका का बारमूडा ट्रायंगल भी कहा। अगर आप स्क्रीन पे दिख रहे कोऑर्डिनेट्स को गूगल अर्थ पे डालोगे तो आपको एक क्रैश हुआ यूएफओ बर्फ के अंदर धंसा हुआ दिखेगा। अब ये यूएफओ किसका है
और एंटार्क्टिका में क्या कर रहा है, ये एक रहस्य है। अगर आप गूगल अर्थ पर इस कोऑर्डिनेट को एक्सप्लोर करोगे तो आपको पानी के अंदर डूबा हुआ एक यूएफओ दिखेगा और इस यूएफओ का साइज लगभग 40 मीटर तक है। ये यूएफओ क्रैश के बाद ये मानना मुश्किल है कि हमारी धरती पर हम इंसान ही सबसे बुद्धिमान सभ्यता है, हमारे अलावा कोई और भी इस दुनिया में रहता है। नंबर 3, एलियन लाइफ इन एंटार्क्टिका। अगर आप गूगल अर्थ पर ये कोऑर्डिनेट्स को एक्सप्लोर करोगे तो आपको एंटार्क्टिका के माउंटेन्स के अंदर कुछ ऐसी टनल्स की एंट्रेंस मिलेगी। इन टनल्स की एंट्रेंस लगभग 30 मीटर लंबी और 90 मीटर तक चौड़ी है और ये इतनी सटीक है कि ये कुदरती नहीं बन सकती। और आप जरा इन्हें ध्यान से देखिए, क्या आपको ये लगता है कि ये नेचुरली बनी होगी? अब सवाल ये है कि इन्हें किसने बनाया और इनके अंदर कौन रहता है, ये आज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। क्या यहाँ कोई हमारे से एडवांस सिविलाइजेशन रहती है जिसके बारे में हम नहीं जानते? अगर आप गूगल अर्थ पर ये कोऑर्डिनेट्स को एक्सप्लोर करोगे तो आपको यहाँ पे एक यूएफओ देखने को मिलेगा। ये यूएफओ बर्फ के अंदर धंसा हुआ है, या तो ये क्रैश हो गया होगा या फिर ये खराब हो गया होगा, इसलिए इसे किसी ने यहाँ पर छोड़ दिया होगा। सवाल ये है कि इस यूएफओ को यहाँ किसने छोड़ा और ये कौन सी सिविलाइजेशन का है? क्या एंटार्क्टिका में कोई एलियन लाइफ है जिसके बारे में हम नहीं जानते? अगर आप गूगल अर्थ पे ये कोऑर्डिनेट्स के बारे में सर्च करोगे तो आपको 20 मीटर लंबी एक आकृति दिखेगी जो एक बड़े विशाल काय दानव की लगती है। इसकी हाइट लगभग 22.69 मीटर यानी 74.44 फीट है। और इसके अलावा अगर आप थोड़ा सा साइड में जाकर कुछ ढूंढोगे तो आपको एक टनल की एंट्रेंस देखने को मिलेगी जिसका साइज लगभग 24 मीटर यानी 78.74 फीट है। इस आकृति का साइज और इस दरवाजे का साइज लगभग सेम ही है। आपकी इस पे क्या राय है? कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। नंबर 4, हॉलो अर्थ एंट्रेंस इन एंटार्क्टिका। अगस्त 1947 में एक यूएस नेवल अफसर और एक्सप्लोर एडमिरल रिचर्ड बर्ड दुनिया के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नॉर्थ और साउथ पोल के ऊपर से अपना प्लेन उड़ाया था। ये एक ऑपरेशन ऑर्गेनाइज करते हैं जिसका नाम ऑपरेशन हाई जंप था, जिसका मकसद एंटार्क्टिका में एक्सप्लोरेशन करना था। एडमिरल रिचर्ड बर्ड फरवरी के अंत में अपने प्लेन में बैठकर ऐसी जगहें ढूंढ रहे थे जहां पे यूएस आर्मी अपना मिलिट्री बेस बना सके, लेकिन तभी उन्हें कुछ ऐसा दिखता है जिसकी उन्होंने कभी उम्मीद भी नहीं करी थी। उन्हें बर्फीले एंटार्क्टिका में ऐसी जगह दिखी जो पूरी हरी भरी थी, जहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे उगे हुए थे। उनके हिसाब से उन्होंने ऐसे पहाड़ देखे जो बिल्कुल भी बर्फ से ढके नहीं थे और हरे भरे थे। उनके हिसाब से उन्होंने मैमथ को भी देखा था जो हजारों साल पहले विलुप्त हो चुके थे। एडमिरल रिचर्ड बायर्ड के हिसाब से जब उन्होंने अपने प्लेन में लगे थर्मामीटर से वहां का टेम्परेचर चेक किया तो वहां का तापमान सिर्फ 23 डिग्री सेल्सियस था। उन्हें यूएस जगह के बीचों बीच एक बहुत विशाल काय गड्ढा दिखता है। वो अपना प्लेन उस गड्ढे के अंदर लेकर चले गए थे। जैसे जैसे वो अंदर घुसते गए उन्हें अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। गड्ढे के अंदर उन्हें बहुत हरे भरे पेड़ पौधे दिखे। उनके हिसाब से जैसे ही वो अच्छी खासी गहराई में उतरे, उन्होंने अपने आप को एक सर्कुलर डिस्क शेप के यूएफओ के ग्रुप ने घेर लिया और उनके प्लेन को अपने कंट्रोल में लेकर वो डिस्क शेप ऑब्जेक्ट्स अपनी दुनिया में ले गए जो धरती के अंदर है। उनके हिसाब से उन्होंने एक ऐसे क्रिस्टल से बने शहर को देखा जिसे देखकर वो और भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि वो लोग यूएफओ से निकलकर उन्हें अपने मास्टर के पास लेकर चले गए और उनके मास्टर ने एडमिरल बर्ड को कहा कि वो बहुत निराश है इस बात को लेकर कि हम इंसान न्यूक्लियर हथियारों के साथ क्या कर रहे हैं। मास्टर ने कहा कि वो बहुत चिंतित है कि हम इंसानों ने हिरोशिमा और नागासाकी को न्यूक्लियर बम से बर्बाद कर दिया और वो बहुत कंसर्न्ड है कि धरती की सतह पर चल क्या रहा है। मास्टर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि मानव सभ्यता बहुत जल्द ये सब रोक देगी, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन जैसे ही ये बातें पब्लिक में फैलने लगी तो यूएसए ने सिरे से नकार दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। बर्ड को यूएसए से मेडल ऑफ हॉनर भी मिला था। अगर अमेरिकन गवर्नमेंट के हिसाब से ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था तो बर्ड को मेडल ऑफ ऑनर किस बात पे दिया था? क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट के हिसाब से बर्ड ने ऐसा कोई महान काम किया ही नहीं है जिसकी वजह से उन्हें मेडल ऑफ ऑनर मिले। नंबर 5, इलॉन्गेटेड स्कल्स फाउंड इन एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका की गहरी बर्फ से ढकी जगहों में रिसर्चर्स ने ये अनोखी खोपड़ियां ढूंढी हैं। खास बात यह है कि देखने से ये किसी इंसान या जानवर की खोपड़ी नहीं लगती। इन खोपड़ियों की बनावट इंसानों जैसे तो है, लेकिन इनका सर बहुत बड़ा है। ये खोपड़ियां ड्रोनिंग मॉड लैंड नमक जगह में पाई गई हैं। यहां का टेम्परेचर बहुत एक्सट्रीम है।
जिसकी वजह से ये जगह बहुत कम लोगों ने एक्सप्लोर की है। ये खोपड़ियां लगभग 9000 साल पुरानी है। अब सवाल ये है कि ये खोपड़ियां किसकी है? देखने से तो ऐसा ही लगता है कि ये एक एलियन का स्कल है। इन सब सबूतों से तो ऐसा ही लगता है कि एंटार्क्टिका में कुछ तो ऐसा है जो हमसे छुपा हुआ है। फिलहाल एंटार्क्टिका के बहुत बुरे दिन चल रहे हैं, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एंटार्क्टिका की 150 बिलियन टन बर्फ हर साल पिघल रही है, जिसकी वजह से पानी का स्तर बहुत बढ़ रहा है। और नासा के हिसाब से 2080 तक पानी का स्तर इतना बढ़ जाएगा कि ज्यादातर देशों के बॉर्डर्स पानी के अंदर डूब जाएंगे। हमारा भारत कुछ ऐसा दिखता है, लेकिन 2080 में जब वाटर लेवल बढ़ जाएगा तो हमारा भारत कुछ ऐसा दिखेगा, और 2080 तक मालदीव्स जैसे देश पूरी तरह से पानी के अंदर डूब जाएंगे। तो कैसा लगा आज का वीडियो? इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा देना ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।